सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्रयास पशुपालक किसान साथियों को वीडियो बेहतरीन क्वालिटी का पशु दिखाने की रहती है, लेकिन कम आज की वीडियो में ऐसा पशु दिखाएंगे कि रेयर ऐसी वीडियो में सारे के सारे पशु अच्छी क्वालिटी के आते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक पशु अच्छा हो एक डाउन क्वालिटी का हो, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आप वीडियो को लास्ट तक देखते जाएंगे एक से एक शानदार जोटी है। और एक ऐसे समय में हम आप पशुपालकों को ये पशुधन दिखा रहे हैं जिस टाइम में लगभग जो है अभी दो महीने महीने बाद शो शुरू होने वाले हैं। ये सारी मैसें चाहे दूध तोलने की बात हो या ब्यूटी कंपटीशन की बात हो, पशुपालक जो है मैं कहूँगा हर जो है घर में जाके तलाश कर रहे हैं कि अच्छे पशु मिले। लेकिन एक ऐसे पशुपालक के यहाँ से ये वीडियो है कि मेरे हिसाब से हर टाइम भाई के पास ऐसी मैसें रहती हैं, बड़े बड़े आर्डर की जोटियाँ। और ये भैंस काफ़ी चर्चित रही है जी, काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी इसकी जब चरखी दादरी में हरियाणा की जो पशु प्रदर्शनी हुई थी उसमें जो है इस भैंस ने काफ़ी शानदार जो प्रदर्शन दिखाया था अपनी सुंदरता का। हालांकि इस भैंस का नंबर तो किसी सिफारिशी जो पशुपालक हैं उन्होंने नहीं आने दिया, लेकिन आज ये भैंस फिर से अपने आप को जो है कैमरे के सामने सत्यापित करने आ गई। आज की वीडियो जितने भी किसान साथी पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँचे। आज पहुँचे हैं जी रेवाड़ी ज़िले के महेंद्रगढ़ ज़िले के ककराड़ा गाँव है जी, और यहाँ पे रहते हैं प्यारे लाल मोदी। खड़ी करो भाई, बैठ रही प्यारे लाल मोदी भाई हैं इनके यहाँ से वीडियो है, काफ़ी मशहूर चेहरा है प्यारे लाल मोदी उर्फ वीरेंद्र उर्फ प्यारे लाल मोदी, ऐसे ही ना भाई। तो रेगुलर इनके पास पाँच सात पशु रहते हैं, सबसे पहले इनसे मिलवा देते हैं फिर पशुधन के बारे में जो है कम्प्लीट जानकारी देंगे। राम राम जी भाई साहब। राम राम मंजीत भाई। सबसे पहले सभी साथियों को, सभी पशुपालकों को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। नमस्कार जी। तो 22 किलो दूध तोलने के बाद आज आए हो वीडियो में, आप ही के यहाँ तोला था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक मैंस थी ना उसकी मिल्किंग करवाई थी। हाँ जी, गिरजा। तो गिरजा मैंस। हाँ जी। तो आज कितने पशु दिखा रहे हो भाई? पशु तो मंजीत भाई बिक्री के लिए तो तीन पशु है। तीन पशु। हाँ जी। तो ये अपनी मैंस कौन से ब्यांत में अब की बार? ये चौथे ब्यांत में भाई। जी जी, चौथा ब्यांत है और तीसरे ब्यांत में ये दादरी कम्पिटिशन में आपने उतारी थी। तो भाई तीसरे ब्यांत में कितना दूध निकाला इसने अपने पास? मंजीत भाई ये जब दादरी का जो मेला था ना, हाँ हाँ, उस टाइम ये 26 दिन की ब्याई थी। हाँ जी, कच्ची ब्याई हुई थी। हाँ, उस टाइम ये काटे का तोल का दूध करती थी 24 किलो 800 24 900। जी जी, 25 किया नहीं, 100-200 ग्राम कम रह गया। जी जी। लेकिन वो मेले में जाने से वहाँ पे मिल्क ब्यूटी का कंपटीशन लड़ने के बाद जी भैंस थोड़ा डाउन मार गई थी, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे आरा लग गया, बिल्कुल टाइम लगता है। हाँ जी। तो फिर मतलब ये 22-23 रूटीन पे रही। जी जी। हाँ जी, अब की बार देखेंगे वैसे। जी जी जी, एक बार खोल लो इसको, थोड़ी चला दो एक बारी। चौथा ब्यांत है जी, मेल काफ को जन्म दिया है, सीमन भाई ने HLDB का सीमन लगवाया था। सीमन नंबर इनको पता नहीं है, इसकी पिछले ब्यांत की कटड़ी भी है। और कई भाई आरा लगाया जो बताया उसको समझ नहीं पाएंगे जी, उसको सरदार जो पंजाब से भाई हैं वो बाजार बोलते हैं जी। बाजार जब मिल्क ब्यूटी का शो लड़ने के लिए जब कोई भी मैस जाती है तो जी जी जी, ले चलो आराम से बोल लो। जब जो बाज़ार लगता है तो लगभग आप समझ सकते हैं जी 15-17-18 घंटे का दूध रोका जाता है, और उसमें पशु जो है काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है। ऐसे में पीछे कुछ जो पशु हैं वो आपको पता भी है, महेंद्रगढ़ जो पशु प्रदर्शनी अब की बार हुई थी उसमें लॉस भी हुआ था किसानों को, उसका कारण यही रहा। ले चलो जी भाई साहब। फुल साइज़ है जी ब्यूटी का इसका, किसी भाई को बताने की ज़रूरत नहीं, लेके आर्डर से थनों की क्वालिटी से फुल साइज़ की मैंस है। और देखो 24-800 ही बताया, नहीं तो लेवा देख के कई भाई 27 किलो 28 किलो 30 किलो बता देते हैं, लेकिन जितना दिया उतना ही दूध बताया है। अभी कब बच्चा दिया था इसने? इसने दिया था जी कल रात को 9 बजे। कल रात को 9 बजे। हाँ जी। तो ये इसकी कटड़ी पिछले ब्यांत की, इसकी कटिया ये पिछले ब्यांत। कितने दिन की होगी भाई ये? 18 महीने की होगी। 18 महीने की ग्यबन करवा दी? 19 की। ग्यबन करवा दी? ग्यबन नहीं हुई भाई साहब अभी, नहीं है, बाल में डाल लिए लेकिन करवाई नहीं। जी जी, ये देखो जी ऐसे एक पशुपालक आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह माँ है उसी तरह डिटो कॉपी है, कहीं ना कहीं सींग माँ से भी छोटा बनाया इसने। और फुल साइज है जी भाई की, हाइट भी मेरे हिसाब से जो है 6-6 के आसपास की होनी चाहिए, 5-11 5-10 के करीब। तो देखो इतनी हाइट पे आप दूसरी साइड खड़े हैं तो कटड़ी आपको दिखाई दे रही होगी।
एक भैंस से एक ब्यांत रखने में आप ये डिफरेंस मानो कि दो भैंसें तैयार होगी और दो भैंसें तैयार होगी यानी जितने पेमेंट उस भैंस की इनको कॉस्ट लेनी है उसके बाद में भी इनके पास ऑप्शन रहता है कि उस भैंस की ब्लड लाइन इनके पास है। थोड़ा लेट हो गए वीडियो में, फिर भी क्वालिटी लगभग जो है अच्छी आ रही है। ये कौन से ब्यांत की है भाई जी? ये मंजीत भाई दूसरे ब्यांत की है। दूसरे ब्यांत की? हाँ जी। ये भी बच्चा देगी अभी? हाँ, ये बच्चा देने की तैयारी पे ही है जी। इसका टाइम जो है ना वो पूरा हो लिया जी, तो बच्चा देने के टाइम पे है। ये देखो मेरे हिसाब से तो ये वीडियो बनेगी थोड़ी बहुत देर में, दे ही देगी बच्चा। कौन सा ब्यांत है इसका? इसका दूसरा ब्यांत है मंजीत भाई। इसने पहले ब्यांत में कितना निकाला था? इसने पहले ब्यांत में 20.5 किलो दूध, 20.5 किलो चार दांत ने काटा तोड़कर 20.5 किलो दूध दिया। अच्छा, तो अब की बार दूसरी बार बच्चा देगी जी। पहले ब्यांत में 20.5 किलो, और ये नहीं ये वीडियो में बता रहे हैं, दो दिन पहले इनके पास आए तब भी यही बात थी, यही बताया था भाई ने कि 20.5 किलो दूध तोल के फिर लिए है। और जो भाई मेरठ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जी, ये भैंस है जी उस 70 की भैंस, दूसरी भैंस भी बिल्कुल सेम। मैं पहले एक बात बोल रहा था कि हर कोई पशुपालक दिखा देता है, लेकिन ये रियल पशु हैं जो इस कंपटीशन के लायक हैं, बिल्कुल सीधे थन और जो है फुल साइज हर जगह से, कोई भी माइनस नहीं, छोटा सींग। और ये देखो जी, कई बार थन टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो कई भाई कंपटीशन में इस चीज़ के नुक्स मानते हैं, लेकिन इसके थन भी सीधे हैं। और ये भैंस जैसे ही खाली होगी और भी अच्छी बन के आएगी, तो अब की बार उम्मीद अच्छी कर सकते हैं। पहले ब्यांत में 20.5 किलो दूध जो है इस जोटी ने निकाला, एक और जोटी है पहले ब्यांत की। ये देखो जी, थोड़ा मौसम ने साथ नहीं दिया, नहीं भाई आज ऐसी वीडियो हो जाती कि मेरे हिसाब से जो भाई ये कहते हैं ना कि ऐसी जोटी देखने में नहीं आती, उन भाइयों का भी कहीं ना कहीं एक संतुष्टि सी हो जाती कि भाई हाँ पशु हैं आज भी। तो ये पहले ब्यांत में है जी? ये पहले ब्यांत में मंजीत भाई। कितने टाइम हो गया इसको बच्चा दिए? आज ये 24 तारीख को शाम को भी आई थी, तो आज देख 10 दिन की हो गई। 24 तारीख को शाम को ब्याई थी, 9 से 10 दिन की ब्याई में कितना दूध आज? दूध आज काटेगा 14 किलो दूध है, काटे वाला कंप्यूटर काटेगा, और एक बार सींग और तेरा ये और तो जी जी। ये देखो जी, लाइट का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि मौसम बारिश का हो गया बिल्कुल। और लो दांत भी दिखा दे, ये देखो दांत दिखा दो, बिल्कुल छोटा सींग है जी, पहले ब्यांत की जोटी। मुँह से चौथे दांत तोड़ गए, चौथे दांत आधे ही निकाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, निकाल ही रही है अभी से। और सींग ये देखो जी, ये होता है ओरिजिनल सींग, ये देखो आप। कोई ये नहीं कि बनवा के छोटा कर रखा है, कोई छेड़छाड़ की जरूरत नहीं, ये देखो। और ठंडी बहुत है मंजीत भाई, इतनी सब आओगी बहुत, मतलब अच्छी जोटी है बहुत। कितना दूध कर देगी अपने हिसाब से? कम से कम भाई साहब 17 किलो कांटे का करेगी। पहले ब्यांत में 17 किलो दूध, 17 किलो कांटे का करेगी। ये इसलिए ये बात दोहराई है कि कितना कर देगी कि दूसरी भैंस जो इन्होंने दिखाई है उसका 20.5 बताया है, तो कोई भाई ये ना सोचे ये कि भाई मंजीत भाई बाहर है, ये बिल्कुल 9-10 दिन की में मौसम भी ऐसा है, बाव आ जाता है। थोड़ा बोल लो इसको दूसरी साइड। तीनों की तीनों भैंसे ब्रीड वाइज बहुत अच्छी हैं, और अभी जो मेन चीज है पशुपालकों के लिए पूछेंगे वो भी एक काफी नॉलेज वाली होने वाली है ये वीडियो। ये देखो बहुत ही शानदार ऑर्डर क्वालिटी के साथ। इसका बच्चा क्या है? इसकी फीमेल काफ है, फीमेल काफ है। ये देखो जी, बिल्कुल कच्ची ब्याई हुई है, कटड़ी नीचे, लाजवाब जो क्वालिटी है जी। और ये भैंसे कई भाई जो है, देखो मंजीत भाई ठंडी देखो, ये बिल्कुल शांत भाव के जी, इस साइड से भी आपको ठंड दिखा देते हैं। ये देखो कैसे, देखो बिल्कुल बिल्कुल इतनी ठंडी जोटी देखो जी। तो ये वो पशुपालक हैं जी जो भाई ये कह देते हैं ना कि हमारे पास भैंसे अच्छी अच्छी क्वालिटी की हैं, लगभग जो है भाई मेरे हिसाब से अड़के पशु कोई नहीं रखता, लेकिन इतने पशु एक साथ तो भाई कोई अच्छा पशुपालक भी नहीं रख पाता होगा, क्योंकि इतनी इतनी पेमेंट इन्वेस्ट करना एक इंतज़ार होता है एक लंबे अरसे का। तो भाई अब की बार मान लो इसको प्रेग्नेंट थी, क्या बन थी उस टाइम पे, क्या क्या दिया है? लेवा बहुत अच्छा बनाया पिछले साल से भी। मैंने देखो जो दिया है वो बता देता हूँ आपको, एक हमारा यहाँ कनीना कस्बा है, मतलब 3 किलोमीटर दूर है मात्र जी जी, योगेश पंसारी जी का प्रोडक्ट। हाँ, अब रेगुलर वीडियो भी बनाते हैं उनकी। हाँ, योगेश पंसारी। हाँ, जो आप वीडियो बनाते मेरे हिसाब से, हाँ जी हाँ जी, आपके पास मैं 2-2.5 महीने थे तब आया था, तब भी आपने पूछा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो उसके बाद भाई जो है काफी प्रोडक्ट योगेश भाई के यूज कर रहे हैं, तो कौन से प्रोडक्ट दिए थे दिखा सकते हो? दिखा देता हूँ भाई साहब, ये देखो जी साथ में ही दिखा रहे हैं, दिखा देता हूँ आपको। ये फाकी है ना जो जी, ये तो कंपलसरी है भाई साहब सभी पशुओं की, ये तो जो पशु स्वस्थ की फाकी है ये देख लो जी, खाली है बिल्कुल, खाली बाल्टी है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये तो मतलब कंपलसरी है जी जी। कितने देते हो ये जी? इसमें ये है देखो, मैं दिखाता हूँ आपको ना, ये रहा जी जी, इसको एक भर के एक डाल देता एक सुबह एक शाम। हाँ जी, हाँ जी, इससे जुगाली ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा पानी पीती है, पानी पीता है, जुगाली करती है। और मंजीत भाई ये जो प्रोडक्ट था ना जी जी, ये मतलब इसको ड्राई में दी थी जी,
अभी बहने से पहले दिए। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो जी, जैसे हम वीडियो में बताते हैं वही चीजें आपको ग्रोथ हैच, जो मल्टीविटामिन है ड्राई पे दाना देते नहीं किसान, और जो है पशु पूरा लेवे का विकास नहीं कर सकता, तो मल्टी विटामिन से अच्छी इस भैंस ने प्रोडक्शन जो ऑर्डर की क्वालिटी है भाई साहब। मैं तो ये कहता हूँ योगेश भाई साहब का जो ये प्रोडक्ट है ना जी, जी ये पशुपालकों के लिए बहुत एक अच्छी मतलब शुभकामना काम है, ये मान लो ना आप जी, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जी। अगर इसको यूज करेंगे पशु तो अपने आप खुद 6 महीने में 2 महीने में 3 महीने में रिजल्ट पशुपालक अपने आप भाई साहब को दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बार यूज करना चाहिए और भाइयों को भी। तो साथ में इधर बुक सुपर फास्ट भी रखा है जी, नई नई भैंसे लेके आते हैं वो भी देते हैं। तो वीरेंद्र भाई अपना नंबर बताओ एक बार। मोबाइल नंबर है जी 8814088408366 जी जी। तो देखिए जी, इनका मोबाइल नंबर रेगुलर चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस भैंस का लेवा एक बार करीब से दिखा देते हैं, भाई खड़ा होना इसके पास थोड़ा। ये देखो जर्सी गाय होती है एचएफ की, जब मेले में बाजार लग जाता है तब बनती हैं, वैसी भैंस आज बनी हुई है नीचे से, और खाली कर चुके हैं 8 से 9 kg जो इसका दूध निकल चुका है। वेन आप देख सकते हैं, थनों की बनावट बहुत ही अच्छी। लेट हैं इस चीज़ के लिए समा, क्योंकि मौसम ने साथ नहीं दिया, नहीं तो वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली थी जी। और स्पेशल आए भी इसी चीज़ के लिए थे कि एनिमल ऐसे हैं कि आप भाइयों को दिखाएँ तो आपको ये ना लगे कि समय जाया हुआ है। देखो पूरा इसने लेवे का विकास किया है, अच्छे पशु भाई ने रखे हैं। आप एक बार यहाँ पर विजिट करके ज़रूर देखें, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भाई एक बात और जी जी, भैंस का कुछ लोगों ने लगा लो नाम तो मैं किसी का लूंगा नहीं, लेकिन कुछ चुने गिने मानसों ने मतलब ये बताया था कि भाई भैंस तो 20-21 किलो की है, तो भगवान ना करे कि ये सेल भी हो जाए जी, मैं इतना बेचने का इच्छुक भी नहीं हूँ जी जी। तो एक बार ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन अब की बार दूध दिखाऊंगा जी जी। बिल्कुल अपनी तरफ से पूरा सहयोग है भाई को, वैसे भी चाहे लाइव चलवाने का चाहे कोई और हेल्प हो वो भी सारी तैयारी है आपके साथ हैं, और उम्मीद करें इस बार ये 26-27 किलो खड़का जो चाट खिलाऊंगा वो सबको दिखाऊंगा। बिल्कुल, और उसके अलावा अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई इसमें कोई दिक्कत करी है या और कोई परेशानी करी है भैंस के साथ छेड़खानी करी है, तो उसका मैं पूरा जिम्मेदार हूँ। अगले जो चाट बताऊंगा अगला अपना घर पे दूध निकाल लेगा जी जी। भाई बेचने का तो ऐसे है, समझ अपनी अपनी, ऐसे पशु हर जगह नहीं बंधे। अभी ये मान लो आज ये है, 3-2 साल बाद ये हो जाएगी, इसी से बहुत पशु तैयार हो जाएंगे जी। मंजीत भाई ऐसी ऐसी झोटियां हैं, कितना ही बोल लो चेन के, बिल्कुल बिल्कुल कोई सी की तरफ भी अगर कैमरा करके देख लो कोई सी झोटी नहीं चूक रही। बिल्कुल, तो ये आज की वीडियो वीरेंद्र भाई के यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से, ककराड़ा गांव से, और एक ऐसे पशुपालक मैं कहूँगा जिन्होंने जो है अच्छे पशुओं का शौक रखा है, हमेशा अच्छे ही पशु रहे हैं ये, चाहे वो आपा ने मेरे हिसाब से 1-2 वीडियो बनाई हैं, हर बार अच्छा ही पशु दिखाया है। तो ठीक है जी किसान साथियों, सभी भाइयों का वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी।